चौधरी निसार भी लंदन वांगी के लिए तैयार। टिकट बुक करवा ली। लंदन में अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। चौधरी निसार 24 फरवरी को वतन वापस आएंगे। आपको बता रही हैं, लंदन एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। चौधरी निसार भी लंदन रवानगी के लिए तैयार। टिकट बुक करवा ली। लंदन में अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। चौधरी निसार एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत में मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। चौधरी निसार 24 फरवरी को वतन वापस आएंगे, जबकि वो लंदन रवानगी के लिए तैयार हैं। टिकट बुक करवा ली गई है। लंदन में अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सियासी हलचल के हवाले से आपको बता रहे हैं कि लंदन एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया है। चौधरी निसार भी लंदन रवानगी के लिए तैयार हैं। टिकट बुक करवा ली गई है। लंदन में अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। चौधरी निसार 24 फरवरी को वतन वापस आएंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद गफारी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइए, चौधरी निसार एक बार फिर मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, लंदन एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। चौधरी निसार भी लंदन रवानगी के लिए तैयार हैं। टिकट बुक करवा ली गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद गफारी से। जी जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, चौधरी निसार जो है वो दोबारा सियासत में अपने आप को इन करने के लिए एक एक्टिविटी कर रहे हैं और लंदन रवानगी की इतलात है और 758 फ्लाइट नंबर है जिसके अंदर उन्होंने टिकट बुक करवाई है। और टिकट बुक करवाने के बाद जब हमने मुस्लिम लीग नून से रब्ता किया कि क्या मुस्लिम लीग नून ही दोबारा उनके साथ गठजोड़ करने जा रही है, तो उनके ऊपर उन्होंने खामोशी कर रखी है। मरियम और ज़ेब वैसे तो हर बात का जवाब देती है, लेकिन इस बात के ऊपर कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक। इतलात यही है कि चौधरी निसार दोबारा एक सियासी उसका हिस्सा बनने लगे हैं और जो उनकी एमपीए की सीट खाली पड़ी हुई है उसको वो दोबारा फिल करने के लिए और ओथ भी लेंगे। और लंदन में अगर उनकी मुलाकात ये कामयाब हो तो वो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों की तरफ से नेक्स्ट उम्मीदवार होंगे सीएमशिप के लिए। और ये इतलात भी है कि ये तमाम तर मामला जो है वो लंदन में वो होंगे, तय होंगे। और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा उनके साथ शामिल है वो भी इसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि चौधरी निसार को जो पुराने साथी हैं मियां नवाज शरीफ के, उनको वापस सियासत में भी आना चाहिए और इस सीट के लिए भी वो मौजूद तरीन है। जबकि पीटीआई के कुछ भी चौधरी निसार से रब्ते में थे। अब देखना ये होगा कि ये जो खबर है ये कहां तक अपने उस तकमील तक पहुंचती है, जिस तरह की ये लग रही है कि चौधरी निसार जो कि अपनी सीट का हलफ तक नहीं ले सके वो अब ना सिर्फ हलफ लेने को तैयार हैं बल्कि उस सीट तक पहुंचने को तैयार हैं, शायद जिसके लिए कई तकरीबन 1.5 साल से एक स्ट्रगल की जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून का अगला कैंडिडेट होना चाहिए उस सीट के लिए। अब ये बात तमाम तर जो है कहने के जराए की है और मुख्तलिफ जो जराए हैं मुस्लिम लीग नून से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि ना सिर्फ चौधरी निसार वापस सियासत में आएंगे बल्कि वो अहम अहदे के लिए भी मौजूद तरीन है। ठीक है, चौधरी निसार अहम ओहदे के लिए मौजू तरीन करा दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जावेद गफारी, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आपने आगाह किया। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से डॉक्टर जफर मिर्जा और मुआविन खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बकारी की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी तलबा की सेहत के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी खारिजा को हिदायत की कि वुहान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा से मुसलसल राबिता रखा जाए और उनकी खैरियत के बारे में उनके खानदानों को मुसलसल तौर पर आगाह रखा जाए। आपको अपडेट कर रही हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान से डॉक्टर जफर मिर्जा और मुआविन खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी तलबा की सेहत के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी खारजा को हिदायत की कि वुहान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा से मुसलसल राबता रखा जाए और उनकी खैरियत के बारे में उनके खानदानों को आगाह रखा जाए। सर कब तक? अच्छा, अब मैं सिर्फ आपके घोषणाज ये करूंगा कि ये जब हम टेलीविजन पे आते हैं और हमें कहा जाता है कि आप पिछली हुकूमतों का जो है